हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। मैं अमित थपलियाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते गढ़वाल में एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम उत्तराखंड की एक फेमस डिश बोलते हैं जिसको चूड़ा, तो आज हम बनाने वाले चूड़ा। तो आज मैं उसको आपको दिखाऊँगा उत्तराखंड में चूड़ा कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। तो गाइस, हमने किया क्या था, कल रात को धान निकाली और उसको पानी में भिगोने के लिए रख दिया। फिर हमने इसको सारी रात ऐसे ही भिगो के रखा और उसके बाद अभी हमने सुबह इसको पानी से अलग किया और उसके बाद हम इसको ऐसे आग पे भूनते हैं और भूनने के बाद हम इसको दे देते हैं यहाँ पे और ये लोग इसको कूटते हैं। और एक्चुअली होता क्या है, जो धान होती है ये रात को पानी में भिगोई जाती है और उसके कटा कर दिया और उसके बाद होता क्या है, इसको सुबह पानी से निकाला जाता है जिसमें कि ये भीग जाती हैं पानी में पूरी तरीके से और उसके बाद इनको हल्की आंच में पकाया जाता है और उसके बाद इनको डाला जाता है ओखली में, जिसको गढ़वाली में बोलते हैं वखला, और उसमें इसको कूटा जाता है और इससे ये जो होती हैं पूरी जो होती है चौड़ी टाइप की हो जाती है और इनको गढ़वाली जो एक फेमस फूड में आता है ये, इनको बोलते हैं चूड़ा। तो ये गढ़वाल का जो एक फेमस जी कमने लो गुणो तुम तब बुखड़ा को टिड दो मेरा विलास भी तुम्हें कि हाथ में तेरा खाव लगे हाथ पर फोर कठिन मुंह कूटना ताई हाँ चकना नहीं ना चाहिए वो हाँ कूटने पर वो जरा पुजे जब को मुंह अपने तरो मुंह अपने दालों पुजे और मिसाल ना अच्छा अपने मां जाला मुझे मेरी चल रोना मना मना के अपने रिश्तेदारी मार दियो ने अच्छा हाँ अलवा लोगों तक बोल लो को तो बोल लो खान लोगों तक बोल लो को तो हम पहले कितनी दिए थोड़ी हाँ तो बच्चा वाला लग रहा है कुछ नहीं पा रहे क्या होता है, उत्तराखंड का एक फेमस खाना होता है इसको लोग बहुत ही पसंद करते हैं, जैसे कि ये लोग इनको रिश्तेदारों में बहुत ही ज्यादा देते हैं क्योंकि जो लोग होते हैं इनको बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो ये एक तरीके से हेल्थी फूड होता है इसलिए इसको ऐसा बनाया जाता है। एक्चुअली इनके जो आपने बाजारों में देखे होंगे खीर आते हैं दीपावली के टाइम पे, वो भी इन्हीं से बनाए जाते हैं और ये खीर बनाने के काम में भी आते हैं। तो ये काफी तरीके से इनका यूज होता है। तो अभी मतलब हम लोग इनका सूखा एक चूड़ा बना रहे हैं जो उत्तराखंड के लिए फेमस है। तो अभी जो धान की कटाई के बाद जिन्हें हर साल बनाया जाता है, ये एक तरीके से फेमस जो होता है यहाँ का फूड है, फास्ट फूड कह सकते हैं हम इसे एक तरीके से। ये जी
तो आप देख सकते हैं उन्होंने वहां से जो धान होती है उसको आंच पे गरम किया और उसके बाद इसमें डाला और ये कूट रहे हैं इसको खोखली में, और इसके बाद इनको कूटने के बाद ये हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, फिर ये खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इनसे जो ये भूसा होता है, भूसी होती है इसकी, उसको अलग करना पड़ेगा। तो अब ये हो चुके हैं खाने के लिए तैयार। तो आप देख सकते हैं ऐसे बनाए जाते हैं पहाड़ की फेमस डिश चूड़े। तो गाइस मैंने आज की वीडियो में बताया कि कैसे उत्तराखंड में जो फेमस डिश होती है चूड़े बनाए जाते हैं, और ऐसी मैं लेके आऊंगा अपनी अगली वीडियो कोई नई डिश के साथ और कई नई लोकेशन के साथ। जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। अभी के लिए लेता हूँ मैं अलविदा, क्योंकि मुझे करना पड़ेगा बहुत सारा काम। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय।